फटा खबरें सिर्फ 30 सेकंड में, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सम्राट अशोक पर दयाशंकर प्रसाद की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद अब फेसबुक और ट्विटर के जरिए जेडीयू और बीजेपी के बीच में घमासान सा दिखाई देने लगा है। इस पूरे मामले पर संजय जायसवाल ने लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट करके जेडीयू को चेताया और बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि 2005 वाले दौर की तरह नीतीश की कुर्सी चली जाए। इस बयान के बाद एक बार फिर से बिहार में सियासत तेज हो गई है और पॉलिटिकल रिएक्शन का दौर जारी है। इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मेरा मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करना चाहिए। या तो उनको पार्टी की हायरार्की नहीं समझ में आ रही है या उनको पूरे विषय का संज्ञान नहीं आ पा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से पूछने से पहले अपने गठबंधन में रहने के नाते वो अपने दल के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क करें, शायद वो उनको सही दिशा दे पाएंगे। इसके बाद जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियाबी ने भी पूरे मामले पर नीतीश कुमार को क्रेडिट देते हुए कहा कि अगर किसी ने तय कर लिया है कि 2005 से पहले वाले दौर पर बिहार को लेकर जाना है तो इसमें जेडीयू कुछ नहीं कर सकती। साथ ही ये भी कहा कि बिहार की जो भी तरक्की हुई है उसके लिए नीतीश कुमार को क्रेडिट मिलना चाहिए। इसलिए 2005 से पहले की स्थिति में बिहार को अगर यदि कोई ले जाने का प्लान बना चुका हो तो वो स्वतंत्र है, लेकिन 2005 से आज तक के बिहार की जो तस्वीर विश्व में, दुनिया में जा चुकी है वो केवल माननीय श्री नीतीश कुमार जी के लगातार खटने का, काम करने का। और दुनिया ये भी जानती है कि उनको किसी परिवार, खानदान, रिश्तेदार, जाति से मतलब नहीं है। जेडीयू और बीजेपी के बीच बढ़ते विवाद पर टकटकी लगाए बैठे आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने भी अपनी बात रखी है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि समाजवादी विचारधारा के हैं नीतीश कुमार, ऐसे में आखिर क्यों बीजेपी के दबाव में वो काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कड़ा फैसला लेते हैं नीतीश कुमार? आज एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, एक दूसरे को देख लेने की नसीहत दे रहे हैं। और हम तो माननीय नीतीश कुमार जी से मैं कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री हैं, आप इतना बेशर्म क्यों, कब से हो गए हैं और ऐसे लोगों से गलबहियां क्यों डाले हुए हैं? आप कहते हैं कि हम समाजवादी लोगों से जुड़े हुए हैं और समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, तो समाजवादी विचारधारा के लोग ये इंतजार और इतनी बेइज्जती नहीं सहते हैं और कुछ न कुछ डिसीजन कड़ा लेना चाहिए और ऐसे लोगों से छुटकारा पाना चाहिए। बता दें कि दयाशंकर प्रसाद ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की थी और ये बात जेडीयू को नागवार गुजरी, जिसके बाद जेडीयू की तरफ से मांग ये होने लगा कि दयाशंकर प्रसाद की पद्म अवार्ड को वापस लिया जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करवाया, लेकिन आगे अवार्ड वापसी को लेकर कोई कवायद बीजेपी की तरफ से नहीं हुई और संजय जायसवाल ने पोस्ट करके ये कहा कि पहले जेडीयू वाले ये बताएं कि इतने लंबे देश के इतिहास में कभी किसी व्यक्ति से पद्म अवार्ड वापस लिया है गया है क्या। इस पूरे मामले पर उन्होंने ये भी साफ किया कि दयाशंकर प्रसाद का बीजेपी के साथ कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इस सब के बीच ये विवाद काफी बढ़ गया और एक ओर बीजेपी जहां जेडीयू को धमकी देने लगी, वहीं आरजेडी जेडीयू को ये समझाने लगी कि अगर आप बीजेपी के साथ अनकंफर्टेबल हैं तो कड़ा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए, सियासी बयानबाजी तो चल रही है, लेकिन देखना होगा कि आगे चलकर बीजेपी जेडीयू की ये लड़ाई क्या मोड़ लेती है, क्या धमकी तक ही ये घमासान रहता है या फिर बात आगे बढ़कर कुछ और सियासी घटनाक्रम हमें देखने को मिलेगी। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।